स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना क्या कहलाता है। देखिए, जब भी शब्द समान आता है तो वो समानता से संबंधित हो जाता है, और यहाँ पर समानता से संबंधित शब्द क्या है, समता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, समता। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, बोला गया है उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच। जैसे मान लेते हैं कि एक अवसर है डॉक्टर बनने का अवसर है, कि एक डॉक्टर का सीट जो है एक अस्पताल में खाली पड़ा है, जो डॉक्टर बनना चाहता है आ जाइए। अब एक कल्पना कीजिए कि एक अशिक्षित व्यक्ति और एक क्या है, शिक्षित व्यक्ति है जो डॉक्टर के लिए पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कर चुका है, तो कौन इस डॉक्टर के पद को ले सकता है। अशिक्षित व्यक्ति तो कभी ले नहीं सकता है, क्यों नहीं ले सकता है, क्योंकि वो इसके योग्य नहीं है। तो कौन ले सकता है, शिक्षित व्यक्ति ही ले सकता है। तो ये क्यों अशिक्षित रहा गया, इसका कारण जाना पड़ेगा। हो सकता है इनके पास अवसर नहीं मिला, समान पहुंच नहीं हो पाया। समान पहुंच का मतलब, अगर ये शिक्षित व्यक्ति स्कूल गया तो ये अशिक्षित व्यक्ति स्कूल नहीं गया होगा, तो क्या कारण रहा होगा कि स्कूल नहीं गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके साथ भेदभाव हो रहा है और असमानता का व्यवहार हो रहा है। तो सरकार या फिर जो है हमारे मानवता के अनुसार, हमें ऐसा व्यवस्था करना चाहिए ताकि सभी कोई शिक्षा तक पहुंच पाए। हालांकि ये अलग बात है कि वो शिक्षा प्राप्त करे या ना करे, लेकिन सबकी पहुंच बनाना है, सभी को संसाधन तक पहुंच उपलब्ध कराना है, सभी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आता है, समता के अंतर्गत आता है। तो ये था आपका सवाल, और इसका एक्सप्लेनेशन, ऐसे और सवालों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।